नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले प्लांट के अंदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या जिसको हम लोग दैहिक विकार कहते हैं, तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि पौधों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के दैहिक विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं, खास करके हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैव कारक, और एबायोटिक फैक्टर में पोषक तत्वों की अधिकता या पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, प्रकाश की वजह से, नमी की वजह से, या फिर तापमान या टेम्परेचर की वजह से जो फसलों के अंदर व्याधियां उत्पन्न हो जाती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि पोषक तत्वों की कमी से फसलों के अंदर कौन कौन सी व्याधियां, कौन कौन से डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, और फसलों के अंदर भी विशेष करके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप होती है, हमारी बागानी जो फसलें होती है, उन फसलों में कौन कौन सी व्याधियाँ ऐसी है जो पोषक तत्वों की कमी से हो जाती है। और यहाँ पर हम पहले बात करेंगे बोरोन की कमी से यानी कि बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से फसलों के अंदर कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग मैंने 14 यानी कि 14 ऐसी व्याधियाँ लिखी है जो बोरान की वजह से होती है, जिसमें बात करेंगे क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब है फलों का फट जाना, फिर हम बात करेंगे आंतरिक ऊतकक्षय जिसको इंटरनल नेक्रोसिस कहा जाता है, फिर हम बात करेंगे हेन एंड चिकन, फिर खोखला केंद्र जिसको होलो हार्ट भी हम कह सकते हैं, फिर काला शीरा जिसको ब्लैक टिप या कोयली बीमारी हम कह सकते हैं, फिर आकाशहीन जो कि मूली के अंदर होता है, फिर शीर्ष व्याधि जिसको टॉप सिकनेस कहा जाता है, फिर केंद्रीय सड़न यानी कि हम बोल सकते हैं हार्ट रोट, और फिर भूरापन या ब्राउनिंग, फिर टूट जाना, और जड़ों की व्याधि होती है जिसको स्प्लिटिंग भी कहा जाता है, फिर वाटर कोर की हम बात करेंगे, स्टेम क्रैकिंग की हम बात करेंगे, इंटरनल कोर की हम बात करेंगे, और पोलन स्टेलिटी यानी कि परागकणों के बांझपन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये सारी व्याधियाँ, ये सारी समस्याएँ बोरोन की कमी से होती है। आइए हम पहले बात करेंगे क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है फलों का फट जाना, और ये समस्या खास करके लीची के अंदर, अनार के अंदर और टमाटर के अंदर होती है, और यहाँ पर जब फल पकते हैं तो उनका जो छिलका होता है वो फट जाता है, तो यहाँ पर फलों के फटने को हम लोग फ्रूट क्रैकिंग कह सकते हैं, और उसके लिए बोरान की जो कमी होती है वो उसके लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि कई फलों के अंदर क्रैकिंग या फटने का जो कारण है वो पानी जो है, अगर लंबे समय के बाद अगर हम सिंचाई कर देते हैं या इरिगेशन आफ्टर द लॉन्ग स्पेल, यानी बहुत दिनों का लंबा एक सुखाई काल निकल जाए, उसके बाद अचानक बारिश हो जाती है, हम पानी दे देते हैं तो भी फल फट जाते हैं, तो वहाँ पर अचानक सिंचाई करने से हो सकता है। लेकिन अगर तत्व की हम बात करेंगे तो बोरान की कमी से क्रैकिंग यानी कि फल जो होते हैं वो फट जाते हैं, खास करके लीची में, अनार में और टमाटर के अंदर ये समस्या आती है। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे आंतरिक ऊतक क्षय या इंटरनल नेक्रोसिस, जिसमें फल के अंदर से जो है वो उसके ऊतक जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और ये जो आंतरिक ऊतक क्षय बीमारी है ये आंवला के अंदर और आम के अंदर, और ये हालांकि चुकंदर के अंदर ही पाई जाती है। तो तमाम जब भी हम बात करेंगे इंटरनल नेक्रोसिस या आंतरिक ऊतक क्षय, तो वो हमेशा बोरान की कमी से ही होता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे अंगूर के अंदर, ग्रेप्स के अंदर हैन एंड चिकन, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि हैन और चिकन व्याधि जो है वो काय में पाई जाती है, तो वो अंगूर में पाई जाती है, ग्रेप के अंदर, और उसका कारण क्या है, तो बोरान की कमी होती है। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे होलो हार्ट, जिसको खोखला केंद्र भी हम कह सकते हैं, और होलो हार्ट जो होता है वो शुगर बीट यानी कि चुकंदर के अंदर पाया जाता है, जो कि बोरान की कमी से होता है। फिर मैंगो के अंदर, आम के अंदर ब्लैक टिप जिसको काला शीरा या कोयली रोग भी कहते हैं, और फल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें एक काला काला धब्बा बन जाता है, वो भी बोरान की कमी से होता है। हालांकि इस व्याधि के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो ईंट के जो भट्टे होते हैं वहाँ से स्मोक ऑफ द ब्रिक्स यानी कि जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है ईंट के भट्टों से, वहाँ से निकलने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन तत्व की अगर बात करेंगे तो ब्लैक टिप जो होता है वो बोरान की कमी से होता है आम के अंदर, फिर हम बात करेंगे मूली के अंदर, रेडिश के अंदर आकाशी जो डिशीज होती है वो बोरान की कमी से होती है, फिर हम बात करें तंबाकू या टोबैको में टॉप सिकनेस जिसको कि शीर्ष व्याधि हम कह सकते हैं, तो तंबाकू का जो टॉप सिकनेस जिसमें पौधा शीर्ष वाले भाग से सूख जाता है वो भी बोरान की कमी से होता है। फिर शुगर बीट और सेब यानी कि एप्पल, तो यहाँ पर बीट रूट, चुकंदर और सेब फल के अंदर हार्ट रूट या केंद्रीय सड़न जिसमें पौधा जो होता है उसका जो मध्य भाग जो होता है वो सड़ जाता है, वो भी बोरान की कमी से होता है। दोस्तों, फिर कोल क्रॉप के अंदर, फूल गोभी के अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर जो ब्राउनिंग होता है, भूरापन, वो बोरान की कमी से होता है। कैरेट यानी कि गाजर के अंदर स्प्लिटिंग यानी कि जड़ जो टूट जाती है उसकी, वो भी स्प्लिटिंग का कारण जो होता है वो बोरान की कमी होता है। फिर हम बात करेंगे वाटर कोर जो समस्या होती है शलजम के अंदर यानी टर्निप के अंदर, वाटर कोर और सेलरी जो सब्जी होती है उसके अंदर
स्टेम क्रैकिंग की जो समस्या होती है वो, और सैंफल में इंटरनल कॉर्क जो होता है वो, और बहुत सारे फूलों के अंदर जो बांझपन यानी कि पोलन स्टरलिटी होती है, वो सारी समस्याएं जो होती है वो बोरान की कमी से होती है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि ये बोरान की कमी की वजह से कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे जिंक की कमी की वजह से कौन कौन सी व्याधियाँ होती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि जिंक की कमी से फसलों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर जिंक की हम कमी की बात करें तो 6 ऐसी समस्या है जो जिंक की कमी की वजह से होती है, जिसमें खैरा रोग आ जाएगा, सफ़ेद कली का जिसको कि व्हाइट बर्ड कहते हैं, ब्राउनजिंग की बात करेंगे, लिटिल लीफ या लघुपर्ण की हम बात करें, मोटल लीफ की बात करें, या फिर ये रोजेट की हम बात करेंगे। तो जिंक की कमी की वजह से कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर ऐसी 6 व्याधियों के नाम लिखें। अब इसके बारे में देखें तो खैरा रोग जिसको आयरन रस्ट भी कहा जाता है, और खैरा रोग के बारे में हमें पता है कि पंतनगर के अंदर इसकी खोज की गई थी और डॉक्टर नैने ने इसकी खोज करी थी। तो पंतनगर में जब खैरा रोग को ढूंढा गया था तो ये जिंक की कमी से नर्सरी के अंदर उत्पन्न होने वाली व्याधि है जो धान के अंदर पाई जाती है। तो खैरा जिसको आयरन रस्ट कहते हैं धान के अंदर, वो जिंक की कमी से होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाइट बर्ड या सफ़ेद कली का बीमारी जो कि मक्का या मेश के अंदर होती है दोस्तों। फिर हम बात करें अमरूद के अंदर यानी कि गुआवा के अंदर जिसको बीही भी हम कहते हैं, तो अमरूद के अंदर ब्राउनजिंग की जो समस्या होती है पत्तियों के ऊपर, वो भी जिंक की कमी से होती है। फिर बहुत सारे जो फल वृक्ष हैं और बहुत सारे जो अलग अलग पेड़ हैं उन पेड़ों के अंदर लिटिल लीफ या लघुपर्ण की जो समस्या होती है वो यहाँ पर जिंक की कमी से होती है। और अखरोट के अंदर और सेमफल के अंदर यानी कि एप्पल और वालनट के अंदर मोटल लीफ या मोटल जो लीफ होती है पत्ती की समस्या होती है, ये जिंक की कमी से होती है दोस्तों। और रोजेट जो कि कई प्रकार के वृक्षों में पाई जाती है, तो रोजेट नाम की समस्या भी जिंक की कमी से होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये जिंक की कमी से होने वाली व्याधियाँ थी। अब हम बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी की वजह से कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। साथियों अब हम देख रहे हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर या कौन कौन सी व्याधियाँ हैं जो फसलों में उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम बात करें लगभग 7 ऐसी व्याधियाँ हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, जिसमें BER जिसको ब्लॉसम एंड रॉट भी हम कहते हैं, पीलो व्याधि की हम बात करेंगे, कैविटी स्पॉट, मेट सुबर जो व्याधि होती है, ब्लैक हार्ट जिसको कि हम लोगों ने कृष्ण केंद्र कहा है, और हाइपोकोटाइल क्रैकिंग जो कि राजमा के अंदर होता है, और टिप बर्न। इस प्रकार से ये जो व्याधियां होती है ये कैल्शियम की कमी से होती है। पहले हम बात करेंगे BER यानी ब्लैसम ब्लॉसम एंड रॉट, और दोस्तों ये टमाटर की व्याधि है और परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि ये BER या ब्लॉसम एंड रॉट जो समस्या होती है टमाटर के अंदर वो उसका कारण क्या है, तो उसको हम कैल्शियम की कमी कह सकते हैं। फिर जितनी भी कुकर बीट्स यानी कि जो बेल वाली सब्जियां हैं जिसको हम गार्ड फैमिली में शामिल करते हैं, चाहे वो लौकी की हम बात कर ले, बोटल गार्ड की बात करें, या फिर बीटर गार्ड यानी करेले की हम बात करें, स्पंज गार्ड या फिर रिज गार्ड की हम बात कर ले, जितनी भी ये बेल वाली सब्जियाँ होती है इसमें पिलो डिसीज जो होती है पिलो व्याधि वो कैल्शियम की कमी से होती है। फिर कैरेट यानी कि गाजर के अंदर कैविटी स्पॉट जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। फिर कोलोकेशिया यानी कि अरबी की हम बात करेंगे तो मेट सुबर जो समस्या होती है वो मेट सुबर समस्या जो है वो कैल्शियम की कमी से होती है दोस्तों। फिर सेलरी नामक सब्जी के अंदर ब्लैक हार्ट जिसको कृष्ण केंद्र हम कहते हैं वो कैल्शियम की कमी से होता है। और फ्रेंच बीन यानी कि राजमा के अंदर, और राजमा में हाइपोकोटाइल क्रैकिंग यानी कि जो जहाँ से कोटिलिडन से बीज पत्र निकलते उसके नीचे वाले हिस्से में अगर क्रैकिंग आ जाता है तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। और लेट्यूस जो कि एक सब्जी होती है सलाद जिसको हम कहते हैं, उसमें टिप बर्न नाम की जो समस्या होती है वो कैल्शियम की कमी से होती है दोस्तों। इस प्रकार से कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्याएँ थी। अब हम बात करेंगे इसके अलावा अगली व्याधि के बारे में। साथियों कॉपर की कमी से उत्पन्न होने वाली जो व्याधियाँ हैं उसकी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 4 ऐसी व्याधियाँ हैं जो कॉपर यानी कि ताम्र जो तत्व होता है उसकी कमी से होता है। और यहाँ पर देखें डायबेक की हम बात करेंगे जिसको कि शीर्ष सूखापन भी हम कहते हैं, एक्जेंथिमा की हम बात करेंगे, रिक्लेमेशन की हम बात करेंगे, और विल्टिंग की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों डायबेक जो कि सिट्रस यानी कि जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष होते हैं उनकी बीमारी है, और जिसमें डायबेक में फल वृक्ष जो होते हैं वो ऊपर से सूखना स्टार्ट कर देते हैं, शीर्ष भागों से सूखना आरंभ कर देते हैं। तो डायबेक नामक समस्या जो कि नींबू वर्गीय फलों में होती है वो कॉपर की कमी से होती है। फिर हम बात करेंगे एक्जेंथिमा, और एक्जेंथिमा जो समस्या है वो कई फलों की समस्या है, तो जो मैक्सिमम फ्रूट प्लांट्स जो है हमारे फल वृक्ष हैं उसके अंदर एक्जेंथिमा होता है। फिर रिक्लेमेशन नामक जो समस्या होती है ये सीरियल यानी कि अनाज वाली फसलों में भी, और लेग्यूम यानी कि जो दाल वाली फसलें होती है उनके अंदर रिक्लेमेशन समस्या जो है वो कॉपर की कमी से होती है। और फिर विल्टिंग, वैसे देखा जाए तो विल्टिंग के कई कारण होते हैं, पानी की कमी की वजह से भी विल्टिंग हो जाती है, और हम लोग फंगस जो होता है खास करके फ्यूजेरियम फंगस जो होता है वो दलहनी फसलों में विल्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पर
कॉपर की कमी से संपूर्ण पौधे में, यानी कि पूरा का पूरा पौधा जब सूख जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि विल्टिंग इन एंटायर प्लांट, कंप्लीट पौधा जो है उसमें विल्टिंग हो जाती है, तो वो भी कॉपर की कमी से होती है दोस्तों। इस प्रकार से कॉपर की कमी से ये समस्या उत्पन्न होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगले तत्व की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है साथियों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि मोलिब्डेनम की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती है, नाइट्रोजन की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती है, और नाइट्रोजन की अधिकता से यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ दी नाइट्रोजन, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर नाइट्रोजन है तो क्या समस्या होने वाली है। देखिए पहले हम बात करेंगे मोलिब्डेनम की कमी से क्या व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक बीमारी दोस्तों व्हिपटेल जो कि कॉलीफ्लावर यानी कि फूलगोभी की समस्या है, और दूसरा होता है पीतपर्ण, और पीतपर्ण को इंग्लिश में येलो लीफ कहते हैं। तो येलो लीफ जो होता है वो सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनके अंदर होता है। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी से दो समस्याएं आपको ध्यान रखना है, एक तो कॉलीफ्लावर के अंदर, फूलगोभी के अंदर व्हिपटेल जिसमें एक हंटर लाइक यानी चाबुक के समान संरचना जो होती है वो फूल में से कन्वर्ट हो जाती है, और एक सिट्रस के अंदर येलो लीफ या पीतपर्ण जो समस्या होती है मोलिब्डेनम की कमी से होती है। फिर नाइट्रोजन या नत्रजन की कमी की हम बात करेंगे, तो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों बटनिंग जो कि फूलगोभी की समस्या है, जिसमें फूलगोभी के जो फूल होते हैं जो कर्ड होता है वो बहुत छोटी छोटी बटन के समान संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि नाइट्रोजन की अधिकता यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन काजेज दी प्रॉब्लम इन दी क्रॉप, यानी कि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अगर है तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अधिक नाइट्रोजन की वजह से होलो हार्ट यानी कि आलू के अंदर जो खोखला केंद्र जो होता है यानी कि बीच में से जो आलू होता है वो खोखला निकल जाता है, खाली निकल जाता है, तो वो होलो हार्ट नाम की समस्या आलू के अंदर वो नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। फिर फूलगोभी यानी कि कॉलीफ्लावर के अंदर होलो स्टेम यानी कि खोखला जो तना होता है, तना स्टेम जो होता है वो बीच में से खोखला निकल जाता है। फिर कैरेट यानी गाजर के अंदर कैविटी स्पॉट नाम की समस्या, ये भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से संबंधित है दोस्तों। फिर मिर्च के अंदर, चिली के अंदर ब्लॉसम एंड रॉट, वही BER जिसको हमने कहा था अभी, वो टमाटर के अंदर था जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, और यहाँ पर BER ब्लॉसम एंड रॉट जो कि चिली यानी मिर्ची में होता है वो यहाँ पर अधिक नाइट्रोजन की वजह से होता है दोस्तों। और फिर गार्लिक यानी लहसुन के अंदर बल्ब स्प्राउटिंग यानी कि लहसुन जो होती है वो कई बार स्टोरेज यानी भंडारण के दौरान उसमें से पत्तियाँ निकल आती है तो वहाँ से उसमें अंकुरण हो जाता है जिसको हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अधिक नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपकी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर होलो हार्ट, होलो स्टेम, कैविटी स्पॉट और ब्लॉसम एंड रॉट और बल्ब स्प्राउटिंग, ये व्याधियाँ जो अधिक नाइट्रोजन से होती है ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की कमी से एक समस्या होती है बटनिंग जो कि फूलगोभी में होता है दोस्तों, और ये मोलिब्डेनम वाली बात थी। अब हम बात करेंगे कि अगली जो व्याधियाँ हैं वो कौन कौन सी है। अब हम बात करेंगे कि मैग्नीज की कमी से कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती है, मैग्नीशियम की कमी से कौन कौन सी समस्याएँ आती है, और पोटेशियम की कमी से और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली व्याधियों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मैग्नीज की कमी से यानी MN की डिफिशियंसी से कौन कौन सी समस्याएँ आती है। देखिए एक तो पी यानी मटर के अंदर मार्श स्पॉट नाम की जो बीमारी होती है वो मैग्नीज की कमी से होती है, और शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर पहाला ब्लाइट नाम की जो बीमारी होती है वो बीमारी कह दें या उसको हम व्याधियाँ कह दें वो मैग्नीज की कमी से होती है। तो यहाँ पर मैग्नीज की कमी से दो समस्याएं आती है, एक है मार्श स्पॉट और एक है पहाला ब्लाइट जो कि शुगर केन के अंदर होता है, और मार्श स्पॉट जो होता है वो पी यानी कि मटर में होता है। फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की कमी से यहाँ पर क्लोरोसिस, और दोस्तों क्लोरोसिस यानी कि हरिमाहीनता, तो यहाँ पर हम क्लोरोसिस को हिंदी में हरिमाहीनता कह सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल जो होता है वो गायब हो जाता है और पत्ती जो होती है वो पीली पड़ जाती है। और यहाँ पर कई बार इंटरवेनल क्लोरोसिस के बारे में भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, और खास करके पुरानी पत्तियों के अंदर इंटरवेनल क्लोरोसिस मैग्नीशियम की कमी से होता है। फिर पोटेशियम की कमी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लोची राइपनिंग, टमाटर के फलों की समस्या होती है जिसमें जो फल होता है वो पूर्ण तरह से पक नहीं पाता है, तो ब्लोची राइपनिंग की हम बात करें, या फिर बनाना यानी कि केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग यानी कि केले का जो बंच होता है उसमें पूरे जो फल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से भर नहीं पाते, वो बंच जो वो खाली रह जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम की कमी से दो व्याधियाँ आपकी परीक्षा में आ सकती है, ब्लोची राइपनिंग और इम्प्रॉपर बंच फिलिंग जो है वो केले में, और ब्लोची राइपनिंग जो है वो टमाटर के अंदर होता है, और ऑक्सीजन की कमी से आलू के अंदर एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक हार्ट, और ब्लैक हार्ट को हिंदी में कृष्ण केंद्र हम कह सकते हैं, तो ब्लैक हार्ट को कृष्ण केंद्र नामक समस्या कह सकते हैं, और यह
आलू के अंदर होता है। इस प्रकार से दोस्तों पुअर वेंटिलेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और ये जो समस्या होती है ये पोटैटो के अंदर, ये ड्यूरिंग दी स्टोरेज यानी कि भंडारण के समय भंडारण की व्याधि है, जहाँ पर गोडाउन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने से जो आलू होते हैं वो बीच में से अंदर से जब हम उसको काटते हैं तो बीच वाला जो पार्ट है वो काला पड़ जाता है, जिसको हम लोग ब्लैक हार्ट या कृष्ण केंद्र कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली व्याधियाँ थी। अब हम बात करें कि पोषक तत्वों के अलावा और ऐसी कौन कौन सी व्याधियाँ हैं जो किसी और कारण से होती है। साथियों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि फलों के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसी पोषक तत्व की वजह से न होकर के अन्य कारण, चाहे उसमें तापमान हो सकता है या फिर नमी हो सकती है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, उनकी वजह से यहाँ पर कुछ समस्याएं आती है। देखिए हम बात करेंगे मालफॉर्मेशन के बारे में, स्पॉन्जी टिश्यू या स्पॉन्जी उतक के बारे में, झुमका जिसको क्लस्टरिंग भी कहते हैं, फिंगर टिप की बात करेंगे, ग्रेनुलेशन की हम बात करेंगे, बेरी ड्रॉप, पिंक बेरी की बात करने वाले, फिर हम बात करें क्रैकिंग जिसमें फलों का फटना होता है, फिर जून ड्रॉप की हम बात करेंगे, अर्ली ड्रॉप की बात करेंगे, जोनाथन स्पॉट, फिर गम्बोजी की हम बात करेंगे, एल्बिनिज्म और लास्ट में होता है बैंड डिसीज। तो ये लगभग 14 ऐसी व्याधियां हैं जो फलों से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए माल फॉर्मेशन जिसको हिंदी में कुरचना कहते हैं, और माल फॉर्मेशन आम की बीमारी है। माल फॉर्मेशन वैसे दो प्रकार का होता है और यहाँ पर माल फॉर्मेशन का कारण क्या है, कम तापमान या लो टेम्परेचर, तो मैंगो के लिए व्याधि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे स्पॉन्जी टिश्यू या स्पॉन्जी उतक, ये भी आम की एक समस्या है और खास करके जो अल्फान जो किस्म होती है उसकी मुख्य समस्या है ये। और यहाँ पर तापमान में जो गड़बड़ी होती है, तापमान में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से समस्या जो है वो स्पॉन्ज टिश्यू नामक समस्या आम के अंदर आती है। फिर हम बात करेंगे झुमका जिसको कि क्लस्टरिंग कहते हैं, और झुमका भी आम की समस्या है जो कि तापमान में कमी और अनियमित परागण या इरेगुलर इम्प्रॉपर जो पॉलिनेशन है उसकी वजह से मैंगो में समस्या आती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे फिंगर टिप या केले के अंदर, केले के जो फल होते हैं उनकी समस्या है, और फिंगर टिप जो होता है ये सघन रोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP यानी कि पौधों को पास पास में लगाने की वजह से केले में फिंगर टिप नाम की समस्या आती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे ग्रेनुलेशन जो कि नींबू वर्गीय फलों की बीमारी है, और ग्रेनुलेशन जो सिट्रस में होता है वो हाई टेम्परेचर उच्च तापमान की वजह से होता है, ये आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर बेरी ड्रॉप और पिंक बेरी, ये अंगूर की समस्या है, अंगूर के फल को हम लोग जनरली बेरी कहते हैं, तो यहाँ पर अंगूर के फल का अगर झड़ जाना या गिर जाना है तो उसको हम बेरी ड्रॉप कहेंगे, जो कि इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या अनियमित परागण की वजह से होता है। और पिंक बेरी जिसमें बेरी यानी फल का कलर बदल जाता है वो अंगूर के अंदर हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान की वजह से होता है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्रैकिंग यानी कि जो फल फट जाते हैं, और लीची के अंदर क्रैकिंग जो होता है वो अधिक नमी यानी कि एक्सेस मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर उच्च तापमान की वजह से होता है। फिर हम जून ड्रॉप की बात करें या अर्ली ड्रॉप की बात करें, देखिए जून ड्रॉप में एप्पल के अंदर और अर्ली ड्रॉप इन दोनों में फल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, और यहाँ पर जून ड्रॉप जो होता है वो पानी की कमी यानी कि मॉइस्चर की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और अर्ली ड्रॉप जो होता है वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या अनियमित परागण की वजह से होता है दोस्तों। फिर हम बात करें जोनाथन स्पॉट, ये भी सैमफल के अंदर होता है, ये भी पानी की कमी से होता है, और फिर गम्बोजी जो समस्या है ये मैंगोस्टीन जिसको फलों की हम रानी कहते हैं, तो फलों की रानी मैंगोस्टीन की समस्या है गम्बोजी, और ये भारी वर्षा हैवी रेनफॉल की वजह से होती है समस्या। फिर स्ट्रॉबेरी के अंदर एल्बिनिज्म नाम की समस्या पाई जाती है, और एल्बिनिज्म के अंदर फलों के अंदर पकने के दौरान प्रॉपर जो कलर आना चाहिए वो कलर नहीं आ पाता, वो टेम्परेचर में गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। फिर बैंड डिसीज जो होता है वो अरेका नट यानी कि सुपारी के अंदर होता है, और बैंड डिसीज का कारण है सुपारी के अंदर जल निकास की कमी या लेक ऑफ दी ड्रेनेज। तो दोस्तों इस प्रकार से फलों की कुछ समस्याएं थी जो पोषक तत्वों के अलावा और अन्य कारणों से होती है। ठीक इसी प्रकार से अभी हम सब्जियों की भी ऐसी कुछ समस्याएं पढ़ने वाले हैं जो पोषक तत्वों के अलावा किसी और कारण से होती है। दोस्तों अब हम बात करें कुछ सब्जियों के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं जो पोषक तत्वों के अलावा किसी और कारण से होती है, जिसमें हम बात करेंगे ग्रीनिंग की, चिलिंग की हम बात करेंगे, पफिनेस, फिर सन स्केल्ड, उसके बाद में केट फेस, रिसीनेस, अंधापन ये जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, फिर लीफीनेस यानी कि पत्तियों की व्याधि, फिर फॉर्किंग, ब्लॉसम ड्रॉप, बीटरनेस, स्प्लिटिंग और बोल्टिंग, ये ऐसी व्याधियां हैं जो सब्जियों के अंदर होती है। जिसमें ग्रीनिंग की हम बात करेंगे तो ग्रीनिंग जो होता है ये आलू की समस्या है, और सूर्य के प्रकाश की जो
संपर्क में जब ट्यूबर इन्हें कंद आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ द ट्यूबर इन द सनलाइट, यानी कि आलू के अंदर अगर मिट्टी चढ़ाने का कार्य अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और आलू का जो कंद है अगर वो मिट्टी के ऊपर आ जाता है तो धूप के संपर्क में आने की वजह से ग्रीनिंग यानी कि आलू जो होता है वो हरा पड़ जाता है। तो ये आलू में मिट्टी नहीं चढ़ाने से समस्या आती, इसको आलू का हरापन कहते हैं। चिलिंग जो होता है, चिलिंग का मतलब होता है कि जिसमें कम तापमान की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से जो समस्या आती है, तो चिलिंग जो होता है आलू के अंदर वो लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान की वजह से होता है। फिर पफीनेस की हम बात करेंगे, ये टमाटर के फलों की व्याधि है, तो पफीनेस जो होता है वो टमाटर के अंदर होता है और तापमान में कमी या तापमान बहुत ज़्यादा होता है तब की हम बात करें, या फिर परागण की जो कमी होती है लेक ऑफ पॉलिनेशन उसकी वजह से पफीनेस जो होता है वो टमाटर में होता है दोस्तों। फिर सनस्केल्ड, ये भी टमाटर की एक समस्या है जो कि तेज धूप या इंटेंस सनलाइट जो होता है उसकी वजह से जो फल होता है वो एक तरह से झुलस जाता है। फिर हम बात करेंगे कैट फेस, ये भी एक टमाटर की व्याधि दोस्तों, और कैट फेस के अंदर असामान्य वृद्धि या एबनॉर्मल ग्रोविंग कंडीशन की वजह से टमाटर का जो फल होता है उसका शेप जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। फिर रिसीनेस की हम बात करेंगे, रिसीनेस जो होता है वो फुल गोभी या कोल क्रॉप के अंदर होता है और कॉलीफ्लावर के अंदर तापमान में अंतर या टेम्परेचर में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से रसीनेस हो जाता है। फिर ब्लाइंडनेस या अंधापन जो होता है वो भी कॉलीफ्लावर यानी कि फुल गोभी के अंदर होता है और फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ने की वजह से ये समस्या आती है दोस्तों। फिर लीफीनेस, जिसमें कड़ के अंदर से जगह जगह से पत्तियां निकल आती है, लीफीनेस भी फुल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर की समस्या है और हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान की वजह से समस्या होती है दोस्तों। फिर फोर्किंग की हम बात करेंगे और फोर्किंग के अंदर गाजर की जो जड़ होती है जो नीचे से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो ये कैरेट यानी गाजर के अंदर फोर्किंग होता है और अधोमृदा का कठोर होना यानी कि हार्ड सोइल पेन की वजह से कैरेट की जो रूट है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर हम बात करेंगे ब्लॉसम ड्रॉप, और ब्लॉसम ड्रॉप जो है जो राजमा या फ्रेंच बीन की समस्या है दोस्तों जो हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान की वजह से होती है। फिर बिटरनेस, जिसको कि कड़वापन हम कह सकते हैं, और बिटरनेस जो होता है वो कैरेट यानी गाजर की समस्या है और एथाइलिन की अधिकता यानी कि जो एथाइलिन एक गैस होती है जिसको हम फलों को पकाने वाली गैस कहते हैं उसकी अधिकता की वजह से समस्या आती है। फिर स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूट जाना यानी कि ये गार्लिक या लहसुन की समस्या है और हार्वेस्टिंग में अगर देरी हो जाए, कटाई में देरी हो जाए, तो जब मिट्टी कठोर पड़ जाती है और जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका जो बल्ब होता है वो मिट्टी के अंदर ही टूट जाता है, उसको स्प्लिटिंग कहते हैं। और बोल्टिंग जो समस्या है दोस्तों वो प्याज की समस्या है और ये भी हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान की वजह से प्याज के अंदर होती है दोस्तों। इस प्रकार से ये कुछ व्याधियाँ थी जो सब्जियों के अंदर होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।